पे देखो विनीशियस चार्स देयर यू गो विनीशियस बॉल डाले बेंजेमा को अनेक पास में पूरा डिफेंस प्लेट ऑफ हो गया हाई लाइन प्लेड बाय चेल्सी पेस ऑफ विनीशियस डिड द जॉब कितनी स्पेस में थे द हेडर भाई साहब द प्लेसमेंट ऑफ एट दैट ओह मैन पुअर डिफेंडिंग वेयर वाज क्रिस्टियनसन Momentum has shifted. Feddy, Modric, Benzema! Unbelievable! <laughs> Look at the arrival by Benzema hung like an airplane in the air. The second hitter is better than the first one, according to me. That's next level by <laughs> Christiansen 2. Reese James, Brees James inside. Georgino both the charge. Car heavy!

वन ऑफ द मोस्ट गोटेड प्लेयर्स दिस डे इज बाल ओर लोडिंग इफ यू कंटिन्यूज टू प्ले लाइक दिस भाई हु इज गोन स्टॉप एम भाई दस गोल पिछले चार मैचेज में तो ओनली द फोर्थ प्लेयर टू स्कोर बैक टू बैक चैम्पियंस लीग हैट्रिक पिछले मैच में मारा है पी एस जी को तीन आज भी चेलसी के अगेंस्ट एंड एक बड़ी फनी स्टोरी है यहाँ पे मैच के स्टार्ट में कार्लो एंड चलोटी बताते हैं कि करीम मंजीमा मैसेज करते हैं कार्लो को कि भाई मुझे अपना पास नहीं मिल रहा है स्टेडियम का ठीक है एंड देन कार्लो एंड चलोटी कहते हैं भाई ढूंढ ले पास को पास नहीं मिलेगा तो यू वॉन्ट भी एबल टू प्ले थैंकफुली करीम बनजीमा को अपना स्टेडियम पास मिल गया एंड देन ही वॉज अलाउड टू कम इन एंड टू प्ले एंड हैट्रिक अगेंस्ट अ साइड लाइक चेल्सी डिफेंसिव सॉलिड एन साइडी थो सिलिश्चनसन रूडिगर ब्लाबला एंड भाई मेंडी तीन गोल फेल दिए एंड भाई क्या गोल मारे हैं तुम चलो ठीक है तीसरा वाला हटा दो तीसरा वाला एक मिस्टेक ऑफ मेंडी एंड देन रूडिगर फेल टू क्लियर द चांस बट देन द टू गोल्स बाई वर्ल्ड क्लास गोल्स है वो द पॉइज द पावर द प्रसिशन ऑफ द फर्स्ट गोल एंड द प्लेसमेंट इन द सेकेंड गोल ये ओनली वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही कर सकता है वॉट अ मोवमेंट बाई करीम बनजीमा एंड थ्री वन एक अच्छी स्कोर लाइन है एंड मडरेट बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इस गेम को डील की फर्स्ट हाफ में एक रिजोल्यूट परफॉर्मेंस प्रेसिंग विनिंग द बॉल्स वांटिंग टू अटैक मोर यूटिलाइजिंग द फ्लैंक्स खासकर लेफ्ट विंग पे विनीशियस के साथ बिकॉज ऑब्वियसली राइट पे फेडी थे तो फेडी के पेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बट विनीशियस है वहां पे ही वॉज गिविंग अ हार्ड टाइम टू क्रिश्चन एन बंदे को सब्सिट्यूट कर दिया टुकल ने कहता है आराम और बाहर बैठते नहीं हो रहा है बिकॉज विनीशियस वॉज रनिंग राइट ऑन द लेफ्ट एंड साइड बिकॉज ही प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ बॉल्स टू करीम बनजीमा हम उस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन लेट्स टेक अ लुक कि हुआ क्या मैच में एंड व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर फॉर चेल्सी स्टार्टिंग में चेल्सी स्टार्टेड टू प्ले गुड ऐसे नहीं है चेल्ल ने खराब नहीं खेला चेल्सी हार्ड आल्सो अ गुड गेम दे प्लेड अ गुड गेम द मिस दांसेस दे वो अनलकी लख का केम इन इंटू द सेकंड कुड स्कोर टू गोल्स लिटरली कुड ऑफ स्कोर टू गोल्स क्लियर हेडर उसके सर पर पड़े थे अभी आगे हम देखेंगे स्टार्टिंग में चेल्सी ने काफी अच्छा प्रेशर बना रखा था दे वो कंबाइनिंग वेल गेटिंग इन बिहाइंड रियल मे वेरी वेल बिकॉज स्टार्टिंग में मिंडी काफी ऊपर अप टॉप प्रेस कर रहा था जा रहा था अपनी पोजिशन से ऊपर चल जा रहा था दैट वॉज मेकिंग डिफेंस ऑफ रियाल एक्सपोज टू दी काउंटर अटैक्स स्टार्टिंग में ही कावेज गॉट अ चांस वेरी अर्ली एंड देन ही वॉन्टेड टू टेक अट्ठ का ओवर थी बार चला गया पांच मिनट के अंडर ही ये सारे इवेंट्स हुए ही कुड हैव स्कोर दिस वॉजरी गुड अपॉर्चुनिटी बट दे पे डेविड अलावा थे टू मेक थिंग्स हार्ड फॉर कावेज बट देन यहां पर थोड़े से देर बाद ही विनीशियस यूनिट को चांस मिलती है एंड दिस गोल वॉज अगेन सेटअप बाई करीम बेनजीमा बेनजीमा राइट एंड फ्लैग से भागता है ही फ्लिक करता है बॉल टू द पॉथ ऑफ विनीशियस वॉट अ ग्रेट अवेयरनेस फ्रॉम करीम बेजीमा दटन गुड

Pole. थोड़े ही देर बाद अराउंड ट्वेंटी अराउंड अराउंडियस अगेन तुम देख सकते हो क्रिस्टो यहां परमा एंड बेजीमा है no Benzima, Benzima between, वो रन डालते हैं पिन पॉइंट क्रॉस पटेन तुम यहां पर यह देखो बेनजीमा इज वे अवे इवन फर्दर अवे फ्रॉम द पेनल्टी स्पॉट तो प्लेसमेंट देखो यहां पर पिक्चर क्लियर नहीं बट देंगे जस्ट बियर विथ मी तुम एडवर्ड मिंडी की पोजिशनिंग देखो यहां पर ही इज वेल पोजिशन बट देन वेन बेजीमा हेड्स इट एडवर्ड मिंडी इज नॉट एबल टू गेट ऑन टू इट बिकॉज द शॉर्ट वॉज पिन पॉइंट परफेक्ट प्लेसमेंट था यहाँ पे बेजिमा का द पोजिशनिंग इज ओके वेरी गुड एक्चुअली ऑफ एडवर्ड मंडी बट ही फेल टू सेव दैटिमा मेड दैट टेरिफिक गोल लुक एट दैट कितने दूर से उसने वो गोल मारा हैडर वर्ल्ड क्लास गोल था भाई मजा आ गया भाई ये देख के तो उसके बाद देने के थोड़े ही टाइम बाद मूव बनता है अगेन फ्रॉम द राइट एंड फ्लैंग कारवाहालेडी एंड क्या नाम है इसका लुकीटा कंबाइनिंग एंड भाई यहाँ पे अगेन लुका मोटरेज भाई साहब, the awareness इस बंदे के पास जो है ना जैसे साहब से तुमने देखा जब गोल पड़ा था पता है, लुकिटा didn't even look up, मोटरेज ने देखा तक नहीं कि बेंजिमा किधर रन मार रहा है, मोटरेज ने सिर झुकाया, उसने बस हॉक दिया क्रॉस, and he knew that बेंजिमा is over there, and बेंजिमा still easy नहीं था बेंजिमा के लिए भी, you would see कि � एंड भाई क्या प्लेसमेंट था भाई बॉल पे स्विंग थी बॉल पे कर्ल थी ऑल ही हैड डू वाज पुट हिज हेड लाइटली एंड बॉल को स्विंग कर देना इनसाइड साइड यहां पर भी मिंडी हैव डन नथिंग तुम देख सकते हो बॉल की ट्रेजेक्ट्री इज आउट बॉल की ट्रेजेक्ट्री बाहर थी भाई ये तो बहुत बड़ा इनसाइड दिखा दिया है इस बॉल ट्रेजेक्टरी वॉज आउटसाइड बट द पिन एडेड दी फन एलिमेंट एंड उसकी वजह से इट ने्ड इन टू द बैक ऑफ द गोल मैन वॉट अ फैंटास्टिक गोल एक्चुअली मैं, मैं बताऊँ तो मुझे ये शायद सेकंड वाला हेडर बेंजिमा का फर्स्ट वाला हेडर से बेहतर लगा जस्ट बिकॉज ऑफ द ही स्कोर दिस वन बिटवीन द टू डिफेंडर्स और डिफिकल्ट जॉब था यह स्कोर करना वो फ्री हेडर था स्टिल बट अगेन यहाँ पे चांस क्रिएट करते हैं डानी कारवाल इन साइड इज ओन हाफ कैरीज ऑन द मूव इन द इन टू द अपोजिशन बॉक्स एंड से ही ओनली मिसेज इट बिकॉज रूडिगर वॉज ओवर दे एंड क्लीन कट शॉट नहीं मिल पाया यहाँ पे डानी कार्वाल को और फिर यहां पे चेल्सी रिप्लाइड बिकॉज ऐसा ही था कि चेल्सी बुरा खेल रही थी चेल्सी वो ऑल्सो ट्राइंग टू डू जॉब बट वो फाइनल क्लिक चेल्सी को मिल नहीं पाता जॉर्जिनो वॉज प्लेंगटे कांटे वॉज वर्किंग हिज थिंग्स बट कांटे को भी फ्री फ्रीडम नहीं मिला जब उसका गेम खेलने का दे वो एक्चुअली क्लोजिंग में डाउन वेरी नाइसली जॉर्जिनो को यहां पे मौका मिला तुम देख सकते हो डिफेंसिव थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है मिलिटाओ एंड कारवाहाल आर देयर एंड बीच में बड़ा गैप है अलाबा इज ऑन कांटे तो जब जॉर्जिनो को बॉल मिली तो ही जस्ट स्विंग्स इन अ क्रॉस इन बिहाइंड एंड काविज वॉज वेरी वेरी ब्रेव बिकॉज तुम देखोगे यहां पे कारवाहल एक्चुअली वेंट ऑन टू क्लियर दैट बॉल एंड इन दैट वे ही कैचेज द फेस ऑफ काविज देखो यहाँ पे बट का, का है वैस भाई कुछ नहीं ही नो बोल सो इट सर लगा दिया कहा हराम मुझे गोल मारना है एंड वॉट अ गोल दिस वाज तो अप टिल नाउ इट वाज अ गेम ऑफ हेडर्स तीन हेडर्स स्कोर्ड इन दिस गेम अगेन बिफोर द हाफ टाइम चांस आती है यहाँ पे बेंजिमा uh, को टू फिनिश इज हैट्रिक सेम ओल्ड थिंग विनीशियस फ्रॉम द लेफ्ट एंड साइड टेयरिंग अ द डिफेंस ऑफ चेलसी कटबैक आता है बहुत ही प्रॉपर जिसको क्लियर नहीं कर पाते हैं आज पहले बॉल फॉल्स इन फॉर करीम बेंजिमा एंड देन बेंजिमा हेड्स इट वाइड एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट उसने अपनी हैट्रिक कंप्लीट नहीं की बट देन नो वरी सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही कहीं कह ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही थी यार इस मैच में कि बेंजिमा मारेगा हैट्रिक बेंजिमा एक गोल करेगा मडर तो एक गोल कर ही रही है एंड देन जैसे मैच स्टार्ट हुआ थोड़ा सा नर्वस मोमेंट्स ऑन एडवार्डो मेंडी मेंडी को बॉल मिलती है अ लॉट ऑफ टाइम पता नहीं गोलकीपर्स को हो क्या जाता है सामने जब हमको बेंजिमा को देख लेते हैं दे गेट सो मच इन टू प्रेसर दे वॉज अ लॉट ऑफ स्पेस मेंडी कुड हैडेड ऑन द राइट बट चोज़ेस रुडिगर रुडिगर को पास किया था मेंडी का रुडिगर ने अच्छे से टच भी नहीं लिया पे प्रेसिंग कर रहा था बॉल छीनाल से तीसरा गोल मिल गया मडरिड को समझ में आ गया ठीक है इससे ज्यादा एडवेंचरस मत हो जाके चुपचाप से डिफेंड करो एंड तो मानोगे नहीं कि एट अ टाइम दे वॉज वेन मडर डिफेंडेड इन फाइव फाइव तो दैट वॉज फाइव फाइव जीरो जो हमने कल एथलेटिको देखा ना हमने एथलेटिको मॉडरेट को सेम चीज करते हुए सीडी का अगेंस्ट मॉडरेट ने वही किया बट देन यहाँ पर चीजें क्यों डिफरेंट थी क्योंकि क्योंकि मॉडरेट के पास तीन गोल स्कोर हो चुके थे दे हार अ लीड ऑफ टू गोल्स तो दे दे वेंट डिफेंसिव एंड दैट इज वैलिड उन्होंने डिफेंडिंग की बिकॉज दे वांटेड टू कीप चेल्सी आउट हुआ एक्चुअली प्लेइंग गुड इन द सेकंड हाफ चेल्सी वांटेड टू अटैक चेल्सी हार अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स यहां पर तुम अगेन आसपेलीटा का शॉर्ट देखोगे इट वॉज फिनोमिनल शॉर्ट बाय आसमेलीटा एंड इवन मच बेटर सेव बाय थियोबॉ कोरतुआ एंड कोर्तुआ को बू को कर रहे थे यहां पर चेल्सी की जनता बट कोरतवाज लाइक नहीं भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता ही मेड अ वेरी वेरी गुड सेव पता नहीं मुझे लग रहा है बॉल वुड हैव हिट दी वुड वर्क बट देन क्या पता डिप भी कर जाती तो बहुत ही तगड़ा सेफ है यहां पे अगेन यार यहां पे सेम ओल्ड थिंग मेसन माउंट को मिलती है बॉल ऑन दिस लेफ्ट साइड ही टेक्स अ पॉप तो तुम देख रहे हो कि मडरिड थ्री वन होने के बाद भी चेल्सी गिविंग अप चेल्सी वॉन्टेड टू हैव दे अटैक्स मेक द अटैक्स स्कोर अ गोल बिकॉज अगर यह गेम थ्री टू हो जाता स्टिल वी कैन से यार इट इज़ ओपन थ्री वन पे थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि यार अब चांस बचानी बर्नाभाव पर दो गोल तीन गोल मारना इट वुड बी डिफिक्ट बट देन अगेन आई वुड से कि चल से डिड प्ले गुड खराब नहीं खेला था तो उन्होंने भी तुम अगेन देख सकते हो कि लुकाकू आते हैं सेकंड हाफ में ही हार्ड अ चांस यहां पे रीस जेम्स ने कई बार उनको पिक किया विद द क्रॉसेज अगेन ही हैड अ वेरी क्लियर हेडर लुकाकू इज नॉट अंडर प्रेशर ओवर हियर इन यहां पे तुम देख सकते हो कि बहुत क्लियरली बॉल उसके सर पे आ रही है मिलिटाओ इन बिहाइंड है बट लुकाकू वेंट ऑन विद हिज हेड एंड हिट इट वाइड तो यार इन्हीं सब सिनेरियोस के लिए लुकाकू होने होते हैं पिच पे कि यार वो ये चांसेस को स्कोर करे बट देन द लैड फेल्ड टू स्कोर हिज चांस बॉल बाहर मार दी सेकंड एक और थोड़ी ही देर बाद बॉल उसको फिर से मिलती है लुकाकू अंडर नो प्रेशर इजी बॉल डिप कर रही थी ही तो मतलब तुम देख सकते हो कि थोड़े ही देर में लुकाकू को दो चांसेस मिलती है और उधर वहां पे हाफ चांसेस मेडल मारे थी तो वही है उनका अनलकी कह सकते हो यहाँ पे लुकाकू अनलकी था भाई ये क्या अनलक है भाई तुम फ्री हो तुम वर्ल्ड क्लास स्ट्राइक करो यू हैव टू स्कोर दीज चांसेस एंड इन सच एन इंपोर्टेंट गेम लोग नहीं भूलेंगे यार ये सारी चीजें लोग हमेशा याद करेंगे लुकाकू को गोल मार दिया था वा बिन बेटर एंड लुकाकू को यहाँ पे चीखते चिल्लाते हुए कि भाई हराम खोर मैंने क्या कर दिया सो so भाई आई रियली लाइक द वे रियल मडरिड वॉज प्लेइंग बट एक थोड़े से डाउट से सीन क्या है कि uh, एडर मिलिटाओ को येलो कार्ड मिल चुका है ही वोंट भी प्लेइंग द रिटर्न लेग बट देन अगेन मड्रिड थ्री वन आप द डिड डू द जॉब क्लिनिकल थे मडरिड मडरिड का जॉब ही वही है भाई चैंपियंस लीग में मड्रिड नू बुलश यार उनको कुछ फर, फर्क नहीं पड़ता कार्लो को क्या चाहिए कार्लो को चाहिए भाई तुम जाकेट अटैक करो स्कोर द गोल्स एंड कोई नहीं तुम बैठ के डिफेंडिंग करो बट वेन यू हैव स्कोर दोज गोल्स यू आर बाउंड टू डिफेंड एंड यू डिफेंड स्ट्रांगलीट जी एच गेट ऑन द बॉल दिन लेट पुलिस माउंट वॉज नॉट वेर इन द अटैकिंग थर्ड्स जलसी बाहर से ही केज कर रखी थी एंड दे वटैकिंग बाहर से शॉर्ट्स मेंच ही नहींवर्डे के बारे में तो बात ही नहीं किया फेडी वालवर्डे के पिच में होने से दैट अलाउड मॉडरिड टू यूटिलाइज दॉडरेज मॉडरेज का बेस्ट गेम हमने देखा बिकॉज ही वॉज देयर अपटॉप क्रिएटिंग दो चांसेस विनिंग द बॉल्स एंड फेडी वॉज द डिफरेंस मेकर भाई फेडी ऑलवेज ऑन

मडरिड ने तो अपना काम कर दिया मडरिड के अलावा एक और टीम है जिन्होंने अपना काम किया एंड दैट इज ये स्कोर लाइन जो वन एल की आपको दिख रही ना आराम को रही है फाइव नेल या फोर नेल से कम नहीं होनी चाहिए बिकॉज कितनी चांसेज मिस कि इन लोगों ने भाई आह oh, भाई साहब विलर रियाल हैड अ फैंटास्टिक गेम स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ द प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस दान दाना के पास इजी इजी चांसेस आए बट दे मिस दैट भाई साहब इधर यहाँ पे बान मोनिक आर हिट बाय अ माउंटेन एंड दे आर लाइक शेल शॉक्ड भाई हुआ क्या मतलब दुनिया पागल हो चुकी है बान मुनिक हार गई एंड वही तो होता है व्हेन यू अंडर योर ओपोनेंट्स नागल्स मैन मैं कहता हुआ हूँ कहता आया हूँ कि बान मुनिक को इतना हाइपअप मत करो बान मुनिक नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दे वर लास्ट सीजन लोग मुझे कहते हैं बान हेटर मैं क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ लोग नफरत करते हैं बाबा आज प्रूव हो गया विलर रियाल डिफीटेड बैन मी कि अगले लेग में हम उनको देख लेंगे अबे अगला लेग छोड़ो तुम अगर यही लेग होता द पॉइंट कैन प्ले पोअर टू डिफेंड सो नाइसली एंड रियाल खूबसूरत फुटबॉल खेली थी एनी अदर डे इट कुड बीन थ्री फोर इवन अल विन फॉर विलर रियाल तेन वॉट सो आई स्टिल होप कि बान सेकंड लेग में गेम टर्न कर देगी। I am yeah, not thinking आम नॉट थिंकिंग अपसेट होगा बान आर वेरी मच केपेबल टू डू दट गट ग्रेट प्लेयर्स एक अंडरस्टैंडिंग की कमी आज मुझे प्लेयर्स में थोड़ी सी लगी के हैड अ ग्रेट गेम लेवाडोस की वो स्प क्वाइट बस यही है अगर विलरियाल ने अपने चांसेस फिनिश कर दिए होते ना देन वी वॉन्ट बी इवन टॉकिंग अबाउट अ कम बैक बान विल कम बैक मुझे लगता है स्टिल या होम पे जब वो खेलेंगे लियान जराना पे तो विल स्कोर थ्री गोल्स फोर गोल्स विदाउट रिप्लाई द कैन डू द डट्स वाई बान अ बान मुनिकट दिन वेन वन ऑफ दिस गेम्स आर कॉल्ड ऑफ तो यहाँ पे दिख जाता है लूपोल कहाँ है बंधुने की टीम है इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार बान को अभी काफ़ी टाइम लगेगा एटलीस्ट एक सीज़न लगेगा फ्यू गुड प्लेयर्स वुड बी नीडेड टू मेक देम अ बेटर टीम एंड यहाँ पे यू you नो know, भाई अगला मैच अगर ये बान जीतती है तो लिवरपूल से होगा मोस्ट प्रोबली देन ब्रेस और सेल्स मुझे लगता है नहीं कि ज़्यादा चांस से बांधने के लिवरपूल को हराने के लिए वो तोड़ सकती है जस्ट बिकॉज बान एफ प्लेट दिस वे अदरवाइज आई वुड अफ प्रेस देन सो भाई ये था हमारा रैप अप ऑफ दी कवरेज आई होप आप लोग को अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो डू ड्रॉप वाला लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल नीचे तीन थाउजेंड तीन थाउजेंड क्या होता है भाई तीन हजार का आप यहाँ पर लाइक टारगेट देख रहे हो डू हेट दट अनाल सी यू गाईज वेरी सून अटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट